भगवान परशुराम। जिन तक पहुंचने के लिए इतना तप किया, उनका तप व्यर्थ नहीं जाने दे सकता मैं। जिसने परशुराम की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था आदरणीय। मैं तो केवल इस शिवलिंग की रक्षा कर रहा था जिसके सामने बैठकर आप तप कर रहे हैं। शिवलिंग पर बाणों से प्रहार करते हो क्या? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? शिव सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं, किसी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का प्राण भी नहीं। महाप्रभु, ये शिवलिंग तो केवल मिट्टी की बनी आकृति मात्र है। श्रेष्ठ शिव नहीं, ये तो उसके साधक की आराधना है जो शिव को शिवत्व की शक्ति देती है। फिर भी यदि अनजाने में भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पाचाल हो परंतु तर्क का ज्ञान रखते हो, ब्राह्मण हो। चारों विधों का ज्ञान जिसे हो वो कौन हो सकता है महात्मा? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है बालक। स्पष्ट शब्दों में अपना परिचय दो, कौन हो तुम, कहां के ब्राह्मण हो? जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेना चाहता हूं गुरुदेव। कितना भी प्रयास करो बालक, सूखे कुएं से जल की प्राप्ति नहीं होती है। मैं अध्यापन के कार्य से मुक्त हो चुका हूं और अब मैं किसी को शिक्षा नहीं देता हूं। जाओ यहां से, जाओ। जानता हूं कुएं और सागर में यही तो अंतर होता है। सागर कितना भी सिकुड़ जाए उसमें इतना जल अवश्य होता है कि वो संसार की प्यास बुझा सके। और आप ज्ञान के सागर हैं गुरुदेव। तुम बार बार मुझे गुरुदेव के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें अपना शिष्य नहीं चुना। भगवान अपना भक्त नहीं चुनते, भक्त अपना भगवान चुनते हैं गुरुदेव। और मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे तर्क मुझे द्रवित नहीं कर सकते हैं कर्ण। परंतु क्यों? याचक को याचना से पहले ज्ञात होना चाहिए कि वो किसके समक्ष याचना कर रहा है। अब मैं एक साधनार्थ ब्राह्मण हूं जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब शस्त्र उठाने थे उठा चुका, शस्त्र शास्त्र की विद्या जिसे देनी थी दे चुका। अब ना मुझमें किसी को सिखाने का धैर्य है
और ना मुझसे किसी को सीखने की पात्रता। पात्रता तो केवल परीक्षा से सिद्ध होती है ना गुरुदेव। मुझे एक अवसर दीजिए, यदि मैं योग्य सिद्ध हुआ तो कदाचित आपको भी सिखाने का मन हो जाए। बाणों का छोटा सा माया जाल रचकर, कुछ तर्क देकर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो? नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं योग्य हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। मुझे एक अवसर तो दीजिए अपनी योग्यता और अयोग्यता प्रकट करने के लिए। मर्यादा का उल्लंघन किया है बालक, तुमने मेरे पर्दे को छूने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस में भी साहस छुपा होता है गुरुदेव। बस एक अवसर दीजिए, परीक्षा लीजिए मेरी। मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा या कभी नहीं लौटूंगा। आप भी मात्र भक्त हैं, एक अवसर दीजिए। यदि मुझे सुपात्र न पाए तो इसी फर्शे से मेरा सर काट दीजिएगा। मूर्ख बालक, जानता है तू किससे बात कर रहा है? उनसे, जिन्होंने एक नहीं 21 बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनसे जिन्होंने अपने पिता के वचन पर अपनी माता का सर काट दिया था। उनसे जो मुझे योग्य न पाकर एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे मेरा सर काटने में। अपने प्राणों के मोल पर बस एक अवसर मांग रहा हूं। याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता गुरुदेव। मृत्यु का भय नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें सुपात्र सिद्ध होने का एक अवसर अवश्य प्रदान करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। अभी मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा, प्रतीक्षा करो, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में। भीम, भ्राता भीम, आप अंधेरे में भोजन कैसे कर लेते हैं? भोजन के लिए आंखों की आवश्यकता ही क्या है अर्जुन? भोजन कहीं भी हो, मेरी घ्राण इंद्रियां उस सुगंध को पा ही लेती है। और एक बार खाना हाथ में आ गया तो भीम के मुख के अतिरिक्त और कहां जाएगा? लक्ष्य का संबंध मनुष्य की इच्छा और अभ्यास से ही होता है। यदि इच्छा प्रबल हो और अभ्यास सघन हो तो लक्ष्य स्वयं सामने आ जाता है।
मैं आपकी बात का तात्पर्य समझ गया गुरुदेव। अब अर्जुन अंधकार में भी उड़ती मक्खी पर लक्ष्य साध कर दिखाएगा। सर्प के इतने समीप आने पर भी तुम हिले नहीं। मेरे लिए सर्प का भय नहीं, गुरु का आदेश अधिक महत्व रखता है। मेरे गुरु का आदेश था जिसे मैं किसी भी मूल्य पर टाल नहीं सकता था। अच्छा, इतनी बड़ी बात। यदि इस जीवन में अवसर मिला तो इसे सिद्ध भी करके दिखा दूंगा गुरुदेव। ठीक है, मैं तुम्हें 3 कार्य सौंपता हूं। यदि तुम उन कार्यों में सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के बारे में अवश्य विचार करूंगा। आदेश करे गुरुदेव। यहां पास में ही एक जल स्रोत है जहां से मैं अपने लिए संध्या के लिए जल लेकर आता हूं, परंतु कुछ समय से वो जल स्रोत अवांछनीय बाधाओं के कारण अविरोध हो चुका है। तुम जाकर उसे हटाओ। अर्थात यदि एक बार सुनकर समझने की क्षमता नहीं है तो श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रयास करके तुम अपना और मेरा दोनों का समय नष्ट कर रहे हो बालक। आदेश का पालन होगा गुरुदेव। 3 बातों का स्मरण रखना। कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियां मेरे तप में भंग डालने का प्रयास करती हैं, तब तक जब तक कि मैं उन्हें समाप्त नहीं कर देता हूं। 2 बात, जल स्रोत का अविरोध हटाने के लिए तुम धनुर्विद्या का उपयोग नहीं करोगे। 3 और अंतिम बात, सूर्यास्त तक जल स्रोत का अविरोध हटाने में यदि तुम असमर्थ रहे तो घर लौट जाना। ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहूंगा। कौन है सामने आओ। हेलो, कौन हो तुम?
परिचय दो अपना। मैं एकलव्य हूँ। कौन है वहां? मैं चुनौती देता हूं, सामने आओ। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। आपको शब्द वेदी बाण चलाने का अभ्यास करते देखा तो रुक गया। कठिन कार्य है, समय लगता है, परंतु सीख जाओगे। जैसे मैं सीख गया, असफलता से भयभीत मत होना। तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो? किसने सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं, स्वयं अभ्यास से सीखा है, गुरु की प्रेरणा से सीखा है। अपने गुरु के विषय में बताओ। आचार्य द्रोण मेरे गुरुदेव। असत्य। मेरे शिष्य नहीं हो सकते, परंतु आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने आपको अपने शिष्य को सिखाते देखा है, देख देख कर मैं भी सीख जाए। मैंने आपको देखा और अभ्यास किया आपकी मूर्ति के समक्ष। आप मेरे मानद गुरु आचार्य। मुझे विश्वास नहीं होता। अपनी बात सिद्ध करो, प्रमाण दो कि तुम शब्द भेदी विद्या जानते हो। अद्भुत। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रशंसा शिष्य की नहीं, आचार्य की जाती है गुरुदेव। आपकी श्रद्धा की धनुर्विद्या सद गई, सब आपके चरणों का प्रताप है। बालक, क्या मुझे देखकर तुम्हें भय लग रहा है? मुझे मृत्यु का भय नहीं, भय केवल इतना है कि गुरु की अपेक्षा पर असफल ना हो जाऊं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है कर्ण, पर देखना यह है
कि अपनों की मृत्यु के भय से अछूते हो या नहीं? माता, अब क्या करोगे कर्ण? माता, करो, प्रहार करो। क्यों रुक गए हो? अब केवल तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, वापस लौट जाओ, लौट जाओ वापस। इसी में तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। माता के वचन को अगर पूरा करने निकले तो कहीं माता को ही ना खो देना, और अगर वचन पूरा कर भी लिए तो उसका क्या लाभ? जाओ, निकल जाओ यहां से। मेरे प्राणों की रक्षा करो, जैसे कह रहे वैसे करो। कर घर लौट जाओ, कर घर लौट जाओ। अपनी माया से तुमने मेरी माता का रूप तो रच डाला दाना, किंतु मेरी माता के व्यक्तित्व को नहीं रच पाए। राधे की माता के प्राण यदि संकट में भी हों, तब भी वो भले अपने प्राण दे दे, किंतु कभी मुझे अपने लक्ष्य से पीछे हटने को नहीं कहेगी।